मेरा नाम मुनी कुमारी हुआ, मेरे हस्बैंड का नाम संतोष गोस्वामी हुआ। घर बैठे थोड़ा कुछ करते हैं काम, अपना जो जात में होता है वो काम करते हैं, सिलाई उलाई करते हैं थोड़ा बहुत। और मेरे हस्बैंड फेरी करते हैं, दूसरे जगह से सामान लाकर बेचते हैं, बाहर से सामान लाते हैं, कभी दिल्ली से कभी बनारस से लाकर बेचते हैं। बनारस लाते हैं सामान, ठेला पर लगाते हैं, उसके बाद गली बाय गली मोहल्ला में जाकर बेचते हैं डेली। घर से 10 बजे निकलते हैं, शाम में 7 बजे तक आते हैं घर। लोन के पहले मतलब थोड़ा बहुत सामान था उसी में मतलब बेचते थे और करते थे, लोन लेने के बाद थोड़ा बढ़ा है। और लोन लिए हम लोग को तो फर्स्ट बार, अभी तो एक ही बार लोन मिला, फर्स्ट बार में 10,000 रुपया मिला है। और उससे बाहर से सामान खरीदे, मेरे हस्बैंड जाकर लाए बाहर से, उसके बाद वही धीरे धीरे बेचते हैं और महीना महीना उनको भर देते हैं। पहले भाड़ा पर ठेला था, दूसरा का ठेला पर मतलब बेचते थे, उनको भाड़ा देते थे, अब अपना ठेला हो गया है, अपना सामान है। पहले जाते थे, पहले एक सामान मतलब खरीदते थे, एक का पैसा देते थे और दूसरा फिर लाते थे, लेकिन अब जाते हैं हम अपना ही पैसा से लेते हैं सामान और बेचते हैं, कैश पेमेंट करते हैं जी। भविष्य के बारे में सोचे, इस तरह से लोन हम लोग को मिलते रहे तो गरीब लोग को बहुत सहायता होगी। अभी कम है, थोड़ा और बढ़कर लोन मिलता तो थोड़ा और आगे दुकान हो जाता अपना, हम भी अपना कुछ अलग बिजनेस कर पाते। तो दे लोन तो की अथी कभी हफ्ता में कभी कुछ कुछ पैसा बचा बचा कर रखते हैं, उसके बाद महीना में लोन दे देते हैं। हम लोग का अलग से 50 रुपया भी जमा होता है, उससे भी हम लोग थोड़ा दिक्कत रहता है, तो वही पैसा से हम लोग मेकअप कर लेते हैं।